हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? मैं आपको लेकर के आया हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पासपोर्ट सेवा पर। अगर आप 2020 में ही पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हैं, न्यू पासपोर्ट बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनाना है तो मैं आपको सिखाऊंगा कि यहाँ पे न्यू पासपोर्ट कैसे अप्लाई करना है, किस स्टेप को कैसे कैसे फिल करना है। और इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसी तरीके से अगर आप मेरे चैनल्स पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए तो वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहला स्टेप में आपको गूगल पे जाना है, यहाँ पे लिखना है पासपोर्ट सेवा। जैसे कि यहाँ पे आ गया है, पासपोर्ट सेवा पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे खुल करके सबसे पहला जो पार्ट आएगा यहाँ पे www.passportindia.gov.in पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका एक ऑफिशियल वेबसाइट्स ओपन हो जाएगा, जो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन के तौर पे यहाँ पे पॉपअप आएगा। लीजिए, आ गया आपके पास COVID-19 एडवाइजरी यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको करना है, जो चाहते हैं पूरा पढ़ना तो पढ़ लीजिए। यहाँ पे मास्क, कैरी सैनिटाइजर, इसी तरीके से आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं आरोग्य सेतु ऐप को। और अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल पे आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, सेवा इम पासपोर्ट सेवा को, और यहां से भी अप्लाई कर सकते हैं मोबाइल पर भी। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं दोस्तों, यहां पे कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में प्रॉब्लम आएगा। तो यहां पे आप हम कट करेंगे इसको और सीधा यहां पे चले जाएंगे न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे। मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आ जाना है रजिस्टर टू अप्लाई एट CPV दिल्ली में। अगर हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं हेडक्वार्टर के अंदर, और पासपोर्ट ऑफिस में करना चाहते हैं तो पासपोर्ट ऑफिस पे कर सकते हैं। पासपोर्ट ऑफिस में अप्लाई करना चाहते हैं अगर आप पटना से हैं तो यहाँ पे पटना सेलेक्ट कर लेंगे। पटना सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जो नाम है, यहाँ पे नाम को टाइप कर देना है। नाम को टाइप करने के बाद यहाँ पे अगर डेट ऑफ बर्थ आपको याद है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे अपना डाल दीजिए। चलिए मैं डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देता हूँ। आप भी अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देंगे। ईमेल आईडी आपका जो है, यहाँ पे ईमेल आईडी आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। यहाँ पे टाइप कर दिए हैं। यहाँ पे आप चाहते हैं कि यहाँ पे डू यू वॉन्ट टू लॉग इन आईडी टू बी सेम एज ईमेल आईडी, तो आप यस कर दीजिए, ताकि आपको जब लॉग इन करना हो तो इसी ईमेल आईडी के साथ कर सकते हैं। पासवर्ड क्या है आपका, तो पासवर्ड आप कुछ भी यहाँ पे अपना रख लीजिए और उसको याद कर लीजिए। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड पे करेंगे, फिर से वही पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे कुछ हैंड्स क्वेश्चन चाह रहा है, तो फर्स्ट स्कूल आपका क्या था, इसी तरीके से बर्थ सिटी क्या था, तो फेवरेट कलर क्या है, तो आप यहाँ पे फेवरेट कलर भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्लैक। ब्लैक को ब्लैक ही टाइप करेंगे, कैपिटल में टाइप किए हैं तो कैपिटल में करेंगे, अगर स्मॉल में है सारा तो स्मॉल में करेंगे, करेक्टर को मिस नहीं करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर कैप्चा आपको साफ सुथरा दिख रहा है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे रिसाइकल भी कर सकते हैं। रिफ्रेश कर लीजिए। रिफ्रेश करने के बाद जो कैप्चा आ रहा है यहाँ पे उसको टाइप कर लीजिए। यहाँ पे पूरा लिखने के बाद यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद ये जो लॉगिन आईडी है एग्जिस्ट कर रहा है इस तरीके से। यहाँ पे देखिए, आपके पास पासपोर्ट एडमिन कंफर्मेशन यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे पूरा पढ़ना चाहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली ऑन पासपोर्ट सेवा। चलिए, यहाँ पे आपको दिया हुआ लिंक, यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करते साथ एक नया ओपन हो जाएगा यहाँ पे, इंटर यूज़र आईडी। यूज़र आईडी क्या था, तो आप अपना यूज़र आईडी डाल दीजिए। सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद अकाउंट एक्टिवेटेड हो चुका है। लॉगिन करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज साइट पे जाकर के करेंगे। तो लॉगिन आईडी क्या था, तो लॉगिन आईडी आपका ईमेल आईडी है, तो ईमेल आईडी को फिर से टाइप कर दीजिए। टाइप करने के बाद कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, तो जो पासवर्ड आप डाले थे उस पासवर्ड को अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे कैप्चा मांग रहा है, इसको रिफ्रेश कर लीजिए और यहाँ पे कैप्चा को फिल कर लीजिए। 9WRR उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एप्लीकेंट होम आ गया है। यहाँ पे क्या अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट PCC अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या बैकग्राउंड वेरिफिकेशन GEP करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसी तरीके से सबसे ऊपर वाले में आप देख रहे हैं अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट और री इशू ऑफ पासपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे फ्रेश पासपोर्ट बनाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे अब आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना है। यहाँ पे देख रहे हैं अल्टरनेट वन दिया हुआ है, यू कैन फिल द एप्लीकेशन ऑनलाइन, और दूसरा दिया हुआ यू कैन डाउनलोड सॉफ्ट कॉपी और उसको फिल करके सीधा आप पासपोर्ट ऑफिस जा करके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ऑनलाइन करना है तो क्लिक करेंगे यहाँ अल्टरनेट वन वाले पे, यहाँ पे नीचे क्लिक दिया हुआ है, क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो आप यहाँ पे स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप बिहार से हैं तो बिहार पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर आप यहाँ पे डाल दीजिए पटना है।
पटना डालने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि पासपोर्ट टाइप कैसा होना चाहिए। तो अप्लाई अगर आप कर रहे हैं फ्रेश पासपोर्ट तो फ्रेश पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज री इशू पे करेंगे। और चलिए मैं फ्रेश पे क्लिक कर देता हूँ। टाइप ऑफ एप्लीकेशन क्या है, तो नॉर्मल है या तत्काल है। अगर आपको जल्दबाजी है, एक दो दिन में आपको चाहिए, तो आप तत्काल को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मल कर सकते हैं। वन वीक या अपर वन वीक में आपको आ जाएगा। टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट कैसा होना चाहिए, जो पेजेस होते हैं, एक 36 पेज का, 36 और 60 पेज का होता है। तो यहाँ पे आपको 36 पे नॉर्मली कर लेना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे नाम पूछा जाएगा, पूरा नेम यहाँ पे टाइप करना है, तो आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए। अगर आपके पास सरनेम है तो डालिए, अदरवाइज नहीं है तो नहीं डालेंगे। जेंडर आप सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल। इसी तरीके से हैव यू बीन नोन अदर नेम, अगर आप किसी दूसरे नाम से, पुकारू नाम से जाने जाते हैं, निक नेम है आपका कोई, तो यस करके वो नेम को मैंसन करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं है तो आप नहीं डालें, नो कर देते हैं। हैव यू चेंज नेम, क्या आपने कभी चेंज किया है, तो नो, अपने नाम को चेंज नहीं किया है। तो डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो आप डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे फिल कर लीजिए, डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लीजिए आप, यहाँ पे मंथ को सेलेक्ट कर लीजिए और इसी तरीके से डेट को सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपका आ गया डेट ऑफ बर्थ। डालने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है इज़ योर प्लेस बर्थ आउट ऑफ इंडिया, तो आप अगर इंडिया के हैं तो नो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आउट ऑफ इंडिया के हैं तो येस करना पड़ेगा। और अगर आपका जो बर्थ प्लेस है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। इसी तरीके से स्टेट कौन सा पड़ रहा है, तो आप बिहार से अगर बिलोंग करते हैं तो बिहार सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका, तो डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे यहाँ पे। इसी तरीके से मैरिटल स्टेटस क्या है, अगर आप डाइवोर्स्ड हैं या सिंगल हैं या सेपरेटेड, अगर मैरिड हैं तो आप मैरिड को क्लिक करेंगे। इसी तरीके से सिटीजन ऑफ इंडियन हैं तो बाय बर्थ हैं तो बाय बर्थ रहने देंगे, या रजिस्ट्रेशन करके आए हुए हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, तो आप बाय बर्थ रहने देंगे। पैन अगर आपके पास है पैन कार्ड तो डालेंगे, वोटर आईडी कार्ड है तो आप डाल देंगे, अदरवाइज अभी आप आधार कार्ड से ही सारे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, आप काम क्या करते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स है या प्राइवेट है, या होम मेकर हैं या नॉट एम्प्लॉयड हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। इसी तरीके से एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है, तो आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उससे पहले यहाँ पे पूछ रहा है माइनर स्पाउस इन द गवर्नमेंट सर्वेंट, पेरेंट्स अगर आप हैं तो नहीं है, आपके पेरेंट्स कोई भी गवर्नमेंट्स में जॉब नहीं करते थे या कर रहे हैं, तो आप नो करेंगे, अगर करते हैं तो यस करेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास है तो आप 10th पास ही करेंगे। ओके इस तरीके से आपको ECR के लिए कैटेगरी के लिए अप्लाई हो जाते हैं, 10th एवब रहते हैं तो आप नन ECR कैटेगरी एलिजिबल हो जाते हैं। इस तरीके से विजिबल डिस्टिंग्विशिंग मार्क्स क्या है, तो आपके चेहरे पे कोई इस तरीके से मोल है तो आप वहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं है तो कोई बात नहीं। आपसे यहाँ पे आधार कार्ड मांगा जाएगा, अगर है तो डाल दीजिए। और वैसे आपको यहाँ पे डाल देने से एक फ़ायदा है कि आपको यहाँ पे और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आधार कार्ड डालने के बाद आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर लेना है, नीचे आ जाना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फादर्स नेम पूछ रहा है यहाँ पे, तो फादर्स नेम को आपको यहाँ पे कर देना है। सरनेम है तो डाल दीजिए, गिवेंस मदर नेम है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसी तरीके से आप देख रहे हैं लीगल गार्जियंस कोई है आपके साथ, एप्लीकेंट है, एप्लीकेबल है, तो वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, तो आप वहाँ पे डाल सकते हैं, अदर नहीं है तो कोई बात नहीं। स्पाउस गिवन नेम अगर डालना चाहते हैं तो ये डालना पड़ेगा, अगर वहाँ पे कोई आपसे गवाही पूछने के लिए आता है, प्लस वेरीफिकेशन के लिए आएगा, तो आपको वहाँ पे वो नेम को मेंशन करना पड़ता है ताकि वो उस वक्त में शामिल रहे। तो आप किसी का भी नाम दे दीजिए, आपके आस पड़ोस में आपके दोस्त रिश्तेदार हैं तो ओके, अगर आपके पास कोई ब्रदर है तो उसका नाम डाल दीजिए, मैं यहाँ पे सिर्फ ब्रदर लिख दे रहा हूँ। ओके नेक्स्ट करते हैं। इज़ योर पेरेंट डिटेल्स ऑफ इंडिया, यस, जो प्रेजेंट डिटेल्स आउट ऑफ इंडिया है तो नहीं, आउट ऑफ इंडिया नहीं है, तो यहाँ पे आप पूरा डाल दीजिए क्या है। डालने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं टॉन्स विलेज क्या है, यहाँ पे डाल सकते हैं। इसी तरीके से स्टेट जो बिहार है, पटना डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन डाल दीजिए यहाँ पे। आपका जो करीबी पुलिस स्टेशन है वहाँ आप डाल दीजिए। इसी तरीके से पिन कोड आप डाल देंगे, मोबाइल नंबर आप डाल देंगे। टेलीफोन नंबर है तो डालिए, ईमेल आईडी है आपका तो ईमेल आईडी डाल दीजिए। अल्टरनेट ईमेल आईडी हो तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है, किसी और का भी डाल सकते हैं यहाँ पे। परमानेंट एड्रेस अवेलेबल है, यस, ठीक है, परमानेंट अगर सेम है ऊपर वाले एड्रेस तो यस करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर। नेक्स्ट करने के बाद आपसे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के लिए पूछा जाएगा, तो नेम एंड एड्रेस डाल दीजिए जो आपके घर का है।
और ईमेल आईडी को यहाँ पे फिल कर दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। हैव यू एवर हेल्ड आइडेंटिटी सर्टिफिकेट? आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप यहाँ पे करेंगे। इस तरीके से डिटेल ऑफ प्रीवियस करंट डिप्लोमा ऑफिस पासपोर्ट, तो डिटेल अवेलेबल है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। पासपोर्ट नंबर नहीं है आपके पास तो यहाँ पे नॉट अवेलेबल पे करेंगे। हैव यू एवर अप्लाइड पासवर्ड बट नॉट इशूड? क्या आपने कभी अप्लाई किया था और इशू नहीं हुआ है? ऐसा नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा प्रोवाइड अ फ्लोइंग डिटेल देयर आज क्रिमिनल प्रोसीडिंग पेंडिंग अगेंस्ट द एप्लीकेंट। क्या आपने रिस्पेक्ट द ऑफेंस लीगल काम किया है? क्रिमिनल कोर्ट में ऐसा कोई पेंडिंग केस चल रहा है तो नहीं है तो आप यहाँ पे नो करेंगे। यहाँ पे वारंट आपके नाम पे निकला हुआ है या पेंडिंग किया गया है कोर्ट के लॉ की तरफ से? नहीं है तो नो करेंगे। इस तरीके से ये सारे स्टेप्स को पढ़ करके आप कर देंगे। फिलहाल आप सारे नो ही करेंगे। मैं यहाँ पे सारा नो नो कर देता हूँ। नो नो करने के बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे देख रहे हैं जो भी नाम है यहाँ पे लिख करके आ गया है। इसी तरीके से आपके पासपोर्ट में नाम लिख करके आएगा, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे नाम, पेरेंट्स टाइप क्या है, प्रेजेंस है, क्या नाम है फादर्स का, कहाँ रहने वाले हैं और जो भी है, तो इस तरीके से आपका लिख करके आएगा। अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ लगता है आपको, यहाँ पे ठीक ठाक नाम नहीं लग रहा है तो आप प्री पे क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप प्लेस क्या है तो आप प्लेस को यहाँ पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे सबमिट फॉर्म पे एग्री करके सबमिट फॉर्म पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रूफ ऑफ बर्थ जो है, ये सेल्फ डिक्लेरेशन है, तो यहाँ पे आपको क्या देना है तो आधार कार्ड यहाँ पे देंगे। इसी तरीके से प्रेजेंट आपका पूछ रहा है रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है तो भी आप यहाँ पे आधार कार्ड का ही यहाँ पे देंगे। जैसा कि आपने यहाँ पे आधार कार्ड मैंने पहले आपको फिल करवाया था वही आधार कार्ड यहाँ पे आपको काम आ रहा है। पासवर्ड सेवा SMS अगर आप चाहते हैं तो, अगर SMS का इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम लेना चाहते हैं तो अगर यस करेंगे तो इसका ₹50 अलग से चार्ज किया जाएगा। ये चार्ज अभी नहीं देना है, अभी सिर्फ ₹1500 आपको देना है और ₹50 पासपोर्ट सेवा ऑफिस में देना है जाकर के। तो यहाँ पे मैं नो करूँगा, यहाँ पे टिक नहीं करूँगा। नो आई डोंट डू नॉट एनरोल द पासपोर्ट सेवा SMS सर्विसेज। ओके, यहाँ पे आप अपना प्लेस कर लीजिए और डेट डाल दीजिए, उसके बाद यहाँ पे सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर दीजिए। फॉर्म को सबमिट करते ही साथ आपके पास यहाँ पे योर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर इतना है, इसको आप कॉपी करके या फोटो स्क्रीन करके इसको रख लीजिए। फिर यहाँ पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट करना है, आपको पेमेंट करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट ले लेना है, अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे पहले क्लिक कर लीजिए, आपको यहाँ पे जाकर के पेमेंट कर देना है। तो पेमेंट अगर ऑनलाइन पेमेंट इंटरनेट बैंकिंग डेबिट कार्ड से करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करेंगे, यहाँ आ जाइए, यहाँ पे आपको अवेलेबल है अपॉइंटमेंट, अवेलेबल है, यहाँ पे नॉट अवेलेबल है, अवेलेबल है 4/17 को तो आप इसको चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि ये जो मेल लोकेशन है ये आप यहाँ पे पटना की तरफ से, तो यहाँ पे PSK पटना क्लिक कर लीजिए। इसी तरीके से कैप्चा को फिल कर लीजिए, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जो है पेमेंट वंस अवेलेबल, यहाँ पे पेमेंट जो आपको करना है 1500 का करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे जी। अब यहाँ पे आपको जो अपॉइंटमेंट डेट लेना है वो कौन सा डेट में आपको जाना चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रेड 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 दिखा रहा है तो यहाँ पे आपको नहीं मिल सकता है। अब यहाँ 17/20/21 को यहाँ पे आप कर सकते हैं, आप यहाँ पे 17 को कर सकते हैं, 20 को कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ आपके दोस्त भी अप्लाई करे और उसको भी डेट मिले तो आप 1-2 दिन छोड़ करके अप्लाई करेंगे ताकि वहाँ पे आपको दोस्त को भी जगह मिल सके। तो मैं यहाँ पे 21 पे अप्लाई कर देता हूँ, 21/7/7 को, और पे एंड बुक अपॉइंटमेंट करेंगे क्लिक। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे योर पेमेंट यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपको पेमेंट आकर के कर देना है। UPI से करना चाहते हैं तो UPI से कर सकते हैं और इसी तरीके से जा करके कर लेंगे। तो यहाँ पे पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट हो जाएगा, पेमेंट हो जाने के बाद आपको यहाँ पे फुल तरीके से आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा और वहाँ पे वेरिफिकेशन डालने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेना है और करने के बाद आपको सीधा पासपोर्ट ऑफिस बुलाया जाएगा और आपको वहाँ जाना है और वहाँ से जा करके आपको पूरा प्रक्रिया बता दिया जाएगा। और 1-2 हफ्ते के अंदर ही आपको वहाँ पे आपको पासपोर्ट के लिए इंक्वायरी आएगा आपके घर पे और वहाँ पे इंक्वायरी करने के बाद आपको पूरा पोस्टमैन के जरिए से आपको पासपोर्ट आपके घर तक पहुँचा दिया जाएगा। ये जो वीडियो है आपको सक्सेसफुल लगा होगा और आई होप आप समझ गए होंगे, और अगर आपको ये पूरे तरीके से नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। और इस वीडियो को बेहतर बनाने के लिए इसको लाइक कर दीजिए। MI अप टू डेट, और क्या आप अपडेट हैं? नहीं ना, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और इस वीडियो को दोस्तों